मैं अपने बाप से भी डरता क्योंकि मैंने गलत कुछ नहीं किया। अगर मैंने गलती करी तो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन अगर मैंने गलती नहीं करी तो मुझसे डरो, फिर तो मैं बोलूंगा कि मुझसे डरो भाई, क्योंकि मैं बहुत गलत इंसान हूं उस हिसाब से यार। और बस मैं इसी चीज को कंट्रोल करूंगा कि मैं अपने आप को बस अपने हाथ पैर ना चलाऊं, जो बात गलत लगेगी वहां पे मैं सीधा फोड़ दूंगा। I really want to say that what made you choose this season, because we have been hearing कि आप बहुत समय से आपको अप्रोच किया जा रहा है, बहुत समय से बातें चल रही थी, what was it कि आपको लगा कि इसी सीजन में जाना है, because it's previous season की भी अगर बात करें तब बहुत जोरों शोरों में आपका नाम लिया जा रहा था कि आप घर के अंदर जाने वाले हैं, तो क्या था, किस तरह से आप बयां करना चाहेंगे इसे? देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जब जिस चीज का समय होता है वो तभी होती चीज। पिछले सीजन भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था और मैं जाने वाला था अंदर, लेकिन कुछ मेरे वर्क कमिटमेंट्स थे तो जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाया। बट अब जो भला है वो जानता है खुदा, तो उसने सोचा कि ये समय बेहतर है, तो फिर बस मैं अभी आ गया और क्या। ओके अच्छा आपसे जानना चाहूँ, जिस तरह से बातें की जा रही थी, बहुत सारी चीजें आपको भी पता है कि किस तरह से सब स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा हो सकता है, अब प्रतीक की एंट्री होगी, शायद अब होगा, तो आपको क्या लगा कि इस बार जाना कितना सही है, और प्रीवियस सीजन में आप गए होते तो किस तरह का परफॉर्मेंस होता, कभी ऐसा सोचा आपने या फिर क्या कहेंगे? देखिए मेरा अभी आपको मैं एक बात बताऊं, तो इस शो में जो दो दिग्गज जो बड़े पर्सनालिटीज के नाम जुड़े हैं, करण जौहर और सलमान खान, पिछले सीजन में जाता तो सिर्फ सलमान खान से मिलता, इस सीजन में जा रहा हूँ तो सलमान खान करण जौहर दोनों से मिलूंगा, और इससे बेहतर क्या हो सकता है, एक से भले दो। तो बस वही कहते हैं ना कि वो जो चाहता है ना, अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा ईमान साफ है, अगर तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी दिमाग में मतलब अगर तुम एकदम अच्छी नीयत से चल रहे हो, तो जो होगा बेस्ट होगा, और वही हो रहा है, बेस्ट सबसे बेहतर हो रहा है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अच्छा आपसे जानना चाहूंगी, बड़े बेबाक अंदाज में आप हमेशा दिखाई देते हैं, हमेशा ओपनली हर चीजों को बोलना जानते हैं, तो क्या लगता है बिग बॉस के घर में भी उतना ही धमाकेदार परफॉर्मेंस हो या फिर एक्टिविटीज हो, या फिर आप तो जानते हैं कितना एग्रेसिव गेम खेला जाता है घर के अंदर, तो किस तरह का दिखेंगे, थोड़ा इमेज कॉन्शियस होंगे या फिर अपने जिस तरह के हैं, जैसे भी हैं वैसे ही प्रेजेंट करेंगे अपने आप को? देखिए डरता वो इंसान है जिसके पास छुपाने के लिए कुछ होता है, मैं बिल्कुल भी इमेज कॉन्शियस नहीं हूँ, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ओपन हूँ और बिल्कुल सच्चा हूँ, बिल्कुल रियल हूँ, तो मेरे को डर किसी बात करिए, किसी के बाप का डर नहीं है मेरे को, इनफैक्ट क्योंकि मैं अपने बाप से भी डरता क्योंकि मैंने गलत कुछ नहीं किया। अगर मैंने गलती करी तो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन अगर मैंने गलती नहीं करी तो मुझसे डरो, फिर तो मैं बोलूंगा कि मुझसे डरो भाई, क्योंकि मैं बहुत गलत इंसान हूँ उस हिसाब से यार, क्योंकि मैं मुझे झूठ पसंद नहीं है, मुझे फेक पसंद नहीं है लोगों का फेक बिहेवियर, तो प्लीज मेरे से ये सब चीजें तो दूर ही रहनी चाहिए एक इंसान की। बाकी तो मैं सबको पता है कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं मानता हूँ, और बस मैं इसी चीज को कंट्रोल करूंगा कि मैं अपने आप को बस अपने हाथ पे ना चलाऊं, बाकी तो सब ठीक है, बस स्ट्रैटेजी वगैरह मेरी कुछ नहीं है, बस यही लेके जा रहा हूँ कि रियल रहना है और जैसा मैं हूँ रियल लाइफ में सच बोलना है, बाकी बस जो है वो सब आपके सामने होगा। Being so realistic even on screen and when it comes to your projects, we have always seen that you are very keen about whatever you do. So, इस चीज के बाद जब बात आती है, Big Boss के घर के अंदर बात आती है, तो variations of people होते हैं, varieties of people होते हैं, जहाँ पे कभी कभी आपकी बात नहीं match करती, कभी कभी ऐसा होता है कि aggression काफी दिखाई देता है, तो वो सारी चीजें आपने थी, बोला आप short tempered है, तो कैसे आप अपने आप को मैनेज करेंगे, कैसे काबू करेंगे, कुछ लोग ट्रिगर भी करते हैं, तो वो सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैनेज करना क्यों है, क्यों मैनेज करना है, जहाँ पे जो दिल में जब आ रहा है वो बोलना है, उस पर रिएक्ट करना है, उस पर एक्ट करना है, और उसी हिसाब से जीना है, जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ, जो बात गलत लगेगी वहां पे मैं सीधा फोड़ दूंगा, और जो बात सही लगेगी उसमें मैं बोलूंगा हाँ यार, क्योंकि मैं गधा तो हूं नहीं कि किसी ने कुछ बोला तो मैं, अगर वो सही बात भी है तो भी मैं मना कर दूंगा, मैं क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, अगर उसी की बात गलत है किसी की सामने वाले की तो वो गलत है तो गलत है, लेकिन अगर वो सही है तो फिर मैं सही को गलत क्यों बोलूंगा, मैं ऐसा भी नहीं हूँ ना, आई एम अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग, आई एम अ सेंसिबल मैन एंड आई एम नॉट अ फूल, सो इफ समवन इज राइट देन दैट पर्सन इज राइट, आई एम गोना सपोर्ट दैट पर्सन, और मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा उनका आखिर तक अगर वो सही है तो, लेकिन अगर वो सही नहीं है तो बस फिर वो काउंटर ब्लेसिंग्स, आई विल आस्क देम टू कीप काउंटिंग, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो और अपनी अपनी ब्लेसिंग्स गिननी शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में काल आ गया प्रतीक सहज पर नाम का।